दोस्तों नमस्कार, आर्या स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बघेल। हार्दिक पांड्या को लेकर बहुत कुछ चल रहा है इंटरनेट पर। मुंबई इंडियंस ने इस साल कप्तानी हार्दिक पांड्या को दी, वो खैर बैक स्टोरी अलग है। लेकिन आईपीएल 2024 की शुरुआत मुंबई इंडियंस की ठीक नहीं रही। अमूमन हर साल मुंबई इंडियंस का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो अपना पहला मैच हारते ही हारते हैं। तो पहले मैच हार के बाद मुंबई इंडियंस के फैंस को कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उनको आदत है पहले मैच में हारने की। लेकिन प्रॉब्लम जब हुई जब वो दूसरा भी मैच हारे और तीसरा भी मैच हारे राजस्थान रॉयल्स से, वो भी उनके घर पर वानखेड़े में। ट्रेंट बोल्ट ने लगभग हैट्रिक ले ही ली थी, लेकिन फिर भी लगातार 3-4 विकेट चटकाए। तो कुल मिलाकर के हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस को एक बुरा वक्त देखना पड़ रहा है। वो वक्त आपको याद आ गया होगा जब रोहित शर्मा टीम के कप्तान थे, लेकिन चेन्नई और मुंबई दोनों बॉटम पर थी। 2022 का वो सीज़न था, लेकिन इस सीज़न 2024 में हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे हैं, तो इतना बुरा क्यों लग रहा है? समस्या यहाँ पर हार्दिक पांड्या को लेकर नेगेटिव जो खबरें चल रही हैं या जो नेगेटिव ट्वीट्स लोग कर रहे हैं, नेगेटिव पोस्ट कर रहे हैं, उनमें हैं। दरअसल हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस में जाने से पहले, 2022 से पहले, मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। मुंबई इंडियंस में बहुत बढ़िया प्यार मिलता था, बढ़िया इज्जत मिलती थी। ऑलराउंडर के तौर पर खेलते थे, बैटिंग भी करते थे, गेंदबाजी भी करते थे। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या निकल गए, गुजरात टाइटंस ने उनको ले लिया, कप्तान बना दिया। 2022 में उन्होंने अपनी टीम को जिताया और 2023 में फाइनल तक ले गए। चेन्नई से फाइनल में गुजरात टाइटंस की टीम हार गई थी। फिर 2024 के आईपीएल से पहले जब ट्रेड इन के लिए बोला गया, तब गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस ने इनको ट्रेड इन कर लिया और हार्दिक पांड्या को वापस मुंबई में लाए। तभी से खबरें थी कप्तान बनाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे। और रोहित शर्मा, जो मुंबई इंडियंस की टीम को 5 सीजन जिता चुके थे, 5 ट्रॉफीज आईपीएल जिता चुके हैं, कई टीमों ने अभी तक 2008 से खेल रही हैं लेकिन अभी तक आईपीएल की ट्रॉफी की शक्ल नहीं देखी है। आरसीबी उनमें से एक है, डीसीबी उनमें से एक है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा कौन जीता कौन नहीं जीता। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई कप्तान आपको 5 ट्रॉफीज जिता करके देता है, उसके बाद आप उस कैप्टन को हटा देते हैं, क्या उसकी फॉर्म ख़राब थी? क्या उसकी कप्तानी आपको ख़राब लगने लगी जिस कप्तानी ने आपको 5 आईपीएल के ट्रॉफी जिताई? या हार्दिक पांड्या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर गए, क्योंकि देखिए 2022 में टीम को जिताया था गुजरात को, 23 में भी फाइनल तक ले गए थे, लगभग जीत गए थे, हालांकि वो मैच 2 दिन में कंप्लीट हो पाया था बारिश के कारण। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस में वापसी इतनी सुलभ नहीं रही, इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि वापसी की तो लेकिन फैंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। सोशल मीडिया के चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे ट्विटर हो, डिक्रीज होने लगे मुंबई इंडियंस के फैंस, और फैंस ने मान लिया एक तरह से कि रोहित शर्मा के खिलाफ की चीज़ें हैं। कई लोगों के लिए मुंबई इंडियंस इज इक्वल टू रोहित शर्मा, और जब रोहित शर्मा को टीम से निकाल दिया गया, मतलब कप्तानी से निकाल दिया गया, और हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया गया, तो लोग आहत हो गए, फैंस आहत हो गए। और हार्दिक पांड्या की ट्रोलिंग आप समझ सकते हैं, जब ये मैच था राजस्थान रॉयल्स के साथ में, तभी ग्राउंड में हार्दिक पांड्या को लोग, मतलब जब कैच छोड़ी थी तब बू बू के नारे लगा रहे थे, और वैसे भी हार्दिक पांड्या को ट्रोल कर रहे थे, जिस पर आगे चल के और बातें भी हुई। लेकिन हार्दिक पांड्या से बिल्कुल भी मुंबई के लोग जो हैं, मुंबई इंडियंस के फैंस जो हैं, वो खुश नहीं हैं। मुंबई इंडियंस शुरुआती 3 मुकाबले हार के सबसे बॉटम में है 2024 आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में, लेकिन फिर भी मुंबई इंडियंस के फैंस हार्दिक पांड्या को लताड़ने में लगे हुए हैं। अब हार्दिक पांड्या को जब इतनी ही समस्या थी, उनको भी अंदाज़ा था कि रोहित 5 सीज़न जिता चुके हैं, इनको कप्तानी से हटाएंगे तो समस्या हो जाएगी। जब इतनी प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद मुंबई ने उनको क्यों हटाया? इसके पीछे का कारण दोस्तों है फ्यूचर। रोहित शर्मा कभी भी क्रिकेट छोड़ देंगे, मतलब T20 क्रिकेट जहाँ तक है संन्यास ले लेंगे, उसके बाद आईपीएल में भी वो बहुत लंबा करियर नहीं देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो हार्दिक पांड्या हैं वो अभी लंबा चलेंगे। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि रोहित शर्मा के बाद भारतीय टीम के जो T20 कैप्टन है वो हार्दिक पांड्या ही रहे हैं, और जब रोहित शर्मा T20 कैप्टन थे तो मुंबई इंडियंस के कैप्टन जो है रोहित शर्मा थे। अब जब हार्दिक पांड्या T20 टीम के कैप्टन लगातार कर रहे हैं रोहित के बाद, तो मुंबई इंडियंस ने भी उन्हीं को कप्तान बनाया, यानी कि जो टीम इंडिया करेगी वो मुंबई इंडियंस करेगी, और अब हार्दिक पांड्या उसकी कप्तानी कर रहे हैं। थोड़ा सा फ्यूचर वाइज लेकर के चल रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के बुमराह और सूर्या जो हैं, सूर्य कुमार यादव, इनके बीच में भी थोड़ा मतलब रहा मनमुटाव कि नहीं होना चाहिए ये चीज़, बट हुई। मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट को जो लगा, वहाँ की जो समिति को लगा, वो उन्होंने किया, हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी। हालांकि 2024 आईपीएल में अभी इतने सक्सेसफुल साबित नहीं हो पाए हैं, बहुत बुरी तरह जो मैच हारते जा रहे हैं, 3 मैच हारे हैं पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक। मुंबई इंडियंस के लिए कुछ भी अच्छी मेमोरी नहीं थी रोहित शर्मा की अच्छी बैटिंग को छोड़ करके, लेकिन फिर भी अभी उनको भरोसा है कि रोहित शर्मा उनको थोड़ा बहुत सिखाएंगे, सपोर्ट करेंगे जो चीज़ें नहीं आती हैं, और एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बनेगा। मुंबई इंडियंस के साथ कॉम्बिनेशन की बहुत दिक्कत है, क्योंकि हार्दिक पांड्या को एज कैप्टन मुंबई इंडियंस के सारे प्लेयर उतने बढ़िया से
नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। हालांकि दूसरी तरफ बाकी टीमों पर नजर डालेंगे तो वो भी फ्यूचर देख रही हैं। गुजरात टाइटंस हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया था, लेकिन उसके बाद उनके जाने के बाद शुभमन गिल फ्यूचर देखा। केकेआर की बात करें, वहाँ श्रेयस अय्यर हैं, फ्यूचर देख रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ पंत को लेकर के चल रही है, या फिर तमाम टीमें हों, मैं सभी टीमों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ जाइए कि जो टीमें हैं वो भविष्य को देख रही हैं। राजस्थान रॉयल्स ने बहुत पहले ही भनक लिया था इस चीज़ को और संजू सैमसन को कप्तान बना दिया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या एक बैड चॉइस है, वो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। दो सीज़न किसी और टीम की कप्तानी करी और दोनों सीज़न फाइनल में गए हैं, एक बार जीते भी हैं उनमें से, तो वो अपनी कप्तानी प्रूव कर चुके हैं। उनको किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, बस हार्दिक पांड्या के लिए बैकफायर कर गया मुंबई में कप्तान बन करके आना, क्योंकि वहां से रोहित शर्मा जो 5 बार चैंपियन बन चुके हैं उनको कप्तानी से हटा दिया गया इनको कप्तानी देने के लिए। तो इसी वजह से हार्दिक पांड्या को इतना ट्रोल किया जा रहा है, इसी वजह से हार्दिक पांड्या से इतनी नफरत की जा रही है, और इसी वजह से मुंबई इंडियंस के फैंस अपनी टीम के बुरे प्रदर्शन से ज़्यादा रोहित की कप्तानी छीने जाने पर गुस्सा है। अगर आप भी मुंबई के फैन हैं तो आप समझ जाइए इस बात को कि रोहित शर्मा जो है वो बीता हुआ कल हो गए हैं। रोहित शर्मा अब इस टीम की कप्तानी बहुत ही मुश्किल करेंगे, जहां तक है वो रिलीज भी हो सकते हैं इस टीम से। ऐसा नहीं है कि वो रिलीज नहीं हो सकते, वो पहले भी डेक्कन चार्जर्स के लिए खेलते थे, अब भी किसी और टीम में जा सकते हैं अगर कुछ बढ़िया संजोग बनते हैं तो। लेकिन हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की टीम का फ्यूचर है, और इसीलिए जो भी फ्यूचर होता है लॉन्ग टर्म सोच होती है, उसको एक दो मैच पर छोड़ा नहीं जाता। ऋषभ पंत को जब स्टार्टिंग में कप्तान बनाया था तब भी बहुत लोगों ने कहा था, लेकिन दिल्ली का वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था जो आज तक काम दे रहा है, और अब वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छी कप्तानी, अच्छी बैटिंग, अच्छी कीपिंग, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो फ्यूचर देख के कई बार चीज़ें करनी पड़ती हैं, और शायद मुझे लगता है कि अभी जो लोग हार्दिक पांड्या को इतना ट्रोल कर रहे हैं, क्या पता हार्दिक पांड्या फिर से अपनी स्किल्स के बेस पे अपनी टीम को जो भी कॉम्बिनेशन बना करके, एक अच्छा सा केमिस्ट्री बना करके, एक बढ़िया परफॉर्मेंस से क्या पता टूर्नामेंट में वापसी करें और फिर मुंबई इंडियंस क्या पता 6ठी बार चैंपियन बने। हालांकि इतना सोचना नहीं चाहिए, अभी लगातार 3 बार हारी है, कुछ भी हो सकता है, बट इस सीज़न नहीं तो नेक्स्ट सीज़न मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पांड्या ज़रूर फायदेमंद साबित हो सकते हैं। बाकी आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए, वीडियो को लाइक करिए, और आईपीएल और क्रिकेट की स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए आर्या स्पोर्ट्स को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, नमस्कार।